तरीके से एक ही शाखा पर इतनी सारी कलियां एक साथ चाहते हो तो ये है मास्टर खाद। सारी खादों का सारी खाद इसके आगे फेल है, बस एक लीटर पानी में। और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ ये हरा पानी। ये जो हरा पानी किस चीज़ का है, जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ न्यू सूट्स आए, हेल्दी बिल्कुल प्लांट आपको चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे प्लांट पे बिल्कुल न्यू सूट्स भरी हुई है। सारी मेरा ऑर्गेनिक ये फर्टिलाइजर है, मैं पूरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालती हूँ। ऐसे ही मेरे प्लांट पे काफ़ी सारी न्यू ग्रोथ हुई है और नई नई सूट्स आने के बाद इनके ऊपर से कलियाँ भी बनने लगी हैं। घर की खाद बनाओ, घर की खाद बोल अच्छे अच्छे नई कलियाँ आते हैं, अच्छे अच्छे फूल आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए गुलाब के लिए, चाहे सारे प्लांट के लिए, पूरे ओवरऑल और गार्डन के लिए ये फर्टिलाइजर है बता रही हूँ। मोस्टली मैंने आपको गुलाब के साथ दिखाऊंगी क्योंकि गुलाब में हर कोई चाहता है गुलाब हमारा अच्छा खिले, हर कोई गुलाब का प्लांट लगाता है। अब उसकी जो हमने तैयारी की है उसमें मेन काम क्या हो जाता है कि उसमें नई नई सूट्स निकले। जब हमारी न्यू न्यू सूट्स निकलेंगी, प्लांट शाखाएँ ज़्यादा होंगी, प्लांट में हमारी ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, फूल ज़्यादा आएंगे, प्लांट हमारा हेल्दी होगा। तो उसके लिए क्या हम चीज़ करें, क्या हमें फर्टिलाइजर डालने हैं वो बताती हूँ। ऑर्गेनिक खाद में डालती हूँ, ऑर्गेनिक जो घर में हम जिसे हम आसानी से बना सकते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं है और सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे घर में पाए जाते हैं, तो उनसे हम काफ़ी फ्लावरिंग खिला सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, साथ साथ आपको बताते रहूँगी। तो यहाँ पर आप जो ये मेरा प्लांट देख रहे हैं इस पे देखिए, इस पे कितनी सारी जो है न्यू कलियाँ निकल आई। ये मैंने कटिंग से ग्रोथ की थी और इसमें सीधा सूट्स जो बनी ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। इसको मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही रिपोर्ट करा है क्योंकि मैंने ये कटिंग से तैयार किए थे। इधर भी मेरे कटिंग वाले प्लांट हैं, देखिए छोटे छोटे पॉट में लगे हैं, मैंने दिखाया था। इनको मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है, मेरे पास पॉट नहीं थे, मैं पॉट ला गई हूँ, जल्दी रिपोर्ट करूँगी। इस वाले प्लांट में मेरी कलियाँ आ गई थी तो मुझे इसको रिपोर्ट करना जल्दी कहा सोचा, क्योंकि अगर हम अच्छा इसको स्पेस देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन खाद, बड़ा प्लांट होगा तो फूल और कलियां भी हमारे अच्छी खिलेंगी और प्लांट की ग्रोथ भी हमारी अच्छी होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी मेरी इसकी ग्रोथ निकली है। यहाँ देखिए ये सारे प्लांट देखिए इतनी सूट से निकली हैं, ये देखिए ये न्यू सूट से देखिए कैसे निकल रही हैं प्लांट में, सारी प्लांट की मेरी ग्रोथ देखिए आप ये। और इधर देखिए प्लांट कैसा लस ग्रीन हो रखा है, ये वाइट गुलाब है का प्लांट है, ये देखिए इसमें सूट्स इस तरीके से होती हैं, इसमें ग्रीन ग्रीन ही बनती हैं। ये देखिए नई नई सूट्स देखिए, ये इस तरीके से ग्रोथ होती है दोस्तों प्लांट में। तो इसके लिए मैंने आपके साथ हमेशा वीडियो शेयर करती हूँ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको दिखाती हूँ और अपने प्लांट पे भी वही मैं अप्लाई करती हूँ। देखिए मेरे फ्लावरिंग खिलने के बाद फ्लावरिंग भी काफ़ी जो है हो चुकी है। यहाँ देखिए पूरा फ्लावर, ये देखिए इनमें इतनी सारी कलियाँ मेरी निकल आई हैं सारे सूट्स में। इसकी कटाई छटाई से लेके इसकी मेरी वीडियोज़ पूरी प्लांट में चैनल में पड़ी हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना चाहो तो लिंक भी लगा दूंगी। ये देखिए न्यू सूट से पूरा प्लांट भरा है। इधर देखिए इस प्लांट की ग्रोथ देखिए, इसमें सूट्स देखिए। बहुत से मेरे पास कमेंट आए थे कि पत्तियां तो हमारे प्लांट पर आ गई हैं लेकिन सूट्स नहीं निकली हैं। तो दोस्तों मैंने आप जो जो फर्टिलाइजर बनाए हैं बताए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, उन्हीं को डालने के बाद मेरे प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। मेरे प्लांट में तो उसी से इतने अच्छे जो हैं सूट्स निकले हैं। ये देखिए मेरा प्लांट पूरी सूट्स से भरा हुआ है। यहाँ देखिए पूरे मेरे गुलाब के काफ़ी प्लांट हैं, ये पूरे भरे हुए हैं न्यू सूट्स से। यहाँ पर मेरा वाइट गुलाब का प्लांट है, कुछ दिन पहले आपने मैंने वीडियो डाली थी, इतने बड़े बड़े फ्लावर मैंने आपको दिखाया था। सारे फ्लावर अब निकल चुके हैं, दो बचे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम तुरंत अपने फ्लावरों को हटाते हैं, इसकी ट्रिमिंग करते हैं ऊपर से लाइट, तो उसके बाद ही देखिए सूट्स निकलती हैं। जब उसके बाद सूट्स निकलती हैं इन्हीं सूट्स में हमारी कलियाँ बनना शुरू होती है। कुछ लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फ्लावर को खिलता है सूखता है, जो उसका सीड्स होता है वो सीड बनने की प्रोसेस शुरू होती है और उसमें कलियाँ नहीं आती हैं, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है और ना ही इतनी फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ देखिए मेरे सारे प्लांट में देखिए मैंने पिंचिंग करी, कटिंग करी, उसके बाद देखिए सारे में नई नई सूट्स निकल आई हैं, नई नई कलियाँ निकल आई हैं। तो इस तरीके से गुलाब के साथ कुछ काम करने होते हैं, कुछ टिप्स केयर भी होती है, केवल न्यूट्रिशन या खाद डालने से ही नहीं होता है। दोस्तों ये हमारा प्लांट है, न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें क्या करना है, आप अपने प्लांट की ना इसकी गुड़ाई करते रहना है। हमारे प्लांट की बिल्कुल गुड़ाई होनी चाहिए और मिट्टी कभी भी हो प्लांट की वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। अगर आपके वहाँ की मिट्टी चिपचिपी है तो उसमें आप सेंट जरूर मिलाइए या राइस हस्क मिलाइए। मेरे वहाँ की रेतीली मिट्टी ही है, मैं तो मुझे जब मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, खाद ही मिला लेती हूँ, गोबर की खाद मिला लेती हूँ, बर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, नीम खड़ी मिला लेती हूँ, ये तो मैं इसमें देती हूँ। कंपोस्ट तो आपको देना ही देना है, मैं आज आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बता रही हूँ। कोई भी हो कंपोस्ट आप अपने प्लांट में डालोगे वो, और उस
ये देखिए, तभी ये इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथ होती है, तभी ये न्यू सोर्स से निकलती हैं। अगर प्लांट को हमारा न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तभी प्लांट नीचे ये सोर्स से निकालता है। केमिकल चीज़ें मत डालिएगा। आगे की चीज़ क्या है, चीज़ बताती हूँ। बहुत से कमेंट ये थे, लोग कहते हैं ये देखिए, ये हमारा बेबी जो हमारा सोर्स से निकला है, ये इतनी कोमल ये पत्तियाँ होती हैं, ये रेड होती है अभी, क्योंकि अभी इनकी जब नई नई निकलती है, अपना भोजन अभी नहीं बनाती है, इनका अभी खाना बनाने का प्रोसेस शुरू नहीं है, तो ये रेड कलर की रहती है। तो ये जब बहुत धूप होती है ना, बहुत धूप भी अगर हो रही है दिन में, हम ही नहीं बैठ पा रहे धूप में, तो ये लीव्स ना जल जाती हैं, ये भी ऐसे भी ये जल जाती है। दूसरा, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा डाल रहे हैं आप, तो मिट्टी में वो जाके वो प्लांट में जब ऊपर जाता है, तो वो गर्माहट होती है, उससे भी प्लांट सूख जाता है, और हमारी जो लीव्स है नई नई, ये भी सूख गायब हो जाएंगी। आज आप लीव्स देखोगे, दूसरे दिन आपको लीव्स दिखेंगी ही नहीं प्लांट में। तो ये होती है, इसलिए इसे मत डालिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मेरे बहुत सारे हैं बताए, उन्हें डालिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम 10 डेज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से उसको डालिएगा, तो वैसे आपके प्लांट पर, सारे प्लांट पर देखिए मेरी इसी ऐसे ही ग्रोथ हुई है, नई नई ग्रोथ हुई है। हर दिन के मैंने वीडियो, अभी 15-20 दिन के वीडियो से आप देखेंगे इधर को, तो यहाँ तक मेरा प्लांट इतने अच्छे पहुँच गए, इतने अच्छे मेरे प्लांट की हेल्थ हुई है। तो ये करना है, पानी अब प्लांट में डेली डालना है, और ऊपर से दिन में अगर आप वहाँ पर छाया में रखिए, शेड नहीं है, तो दिन में इनके ऊपर शावर कर दीजिए, एक दो बार इनके ऊपर बिल्कुल शावर कर दीजिए आपको बहुत धूप में, तो हमारा प्लांट अच्छा रहेगा। ये मजबूत होने लगेंगे, ग्रीन होने लग जाएंगे, अपना खाना बनाने लगेंगे, तो फिर ये नहीं जलेंगी। तो ये देखभाल आपने करनी है, और न्यूट्रिशन मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको डालना है, तो गुड़ाई करते रहना है। मैं अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहती हूँ, तो चलिए मैं आप उसके बाद आपको बता देती हूँ कि हमें न्यूट्रिशन क्या अपने प्लांट पे डालना है। और वही है, अगर आपके प्लांट में फ्लावर खिल जाते हैं, तो उसके बाद उसके फ्लावर हटा करके आपको कटिंग शटिंग करते रहनी है, तो इस तरीके से नई नई सोर्स से निकलती है। तो चलिए मैं आप फर्टिलाइजर क्या है वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है सरसों की खली, ये सरसों की खली है, और ये आपको बीज खाद के दुकान में आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी ये चीज़ मिल जाती है। तो सरसों की खली ये ऐसी खली है दोस्तों, सरसों की खली में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारा एनपीके इसे मौजूद होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी मिट्टी में जब जाता है, प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल फूल फ्लावर के लिए इंक्रीज तो करता ही करता है, हमारी मिट्टी को भी ना ये उपजाऊ बनाता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है इससे, तो ये बहुत अच्छा हमारे प्लांट के लिए होता है। तो सारे आप कुछ ना डालें, केवल आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल करते हैं, इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके प्लांट की पूरी ग्रोथ होगी। आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं, ग्राइंड करके एक एक चम्मच पाउडर भी अपने पॉट में डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस तरह। तो बनाना कैसे है, यहाँ देखिए मेरा बहुत बड़ा गार्डन है, मैंने इसे बना रखा है। ये देखिए दोस्तों, इसको ग्राइंड करके, इसको ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करने के बाद हमने इसको भिगा दिया है। ये मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने तो ये 100-200 ग्राम करीब सरसों की खली भिगो के रखी थी। इसको इतने दिन भिगोना है, 7 या 10 दिन भिगोना है इसको, कि इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, इसमें एक बदबू आने लगती है, बदबू बहुत ज़रूर इसमें आती है, बड़ी गंदी बदबू आती है ज़रा आपको लगेगी, लेकिन इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट हमारे प्लांट में मिलता है। तो इसको जब फर्मेंटेशन इसका हो जाता है, उसके बाद इसको हम प्लांट में डालते हैं। डालना कितना है दोस्तों, केवल 10 ml जब हम लेते हैं, 10 ml हम लेंगे, और 10 ml को हम 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। जब हम 1 लीटर पानी डालते हैं, तो उसमें हम 10 ml, केवल 10 ml को मिला देंगे, ये देखिए। और ये 10 ml जो है हम अपने प्लांट में, एक प्लांट के लिए हमारा ये सफिशेंट है, एक प्लांट के लिए हम इतना ये डाल देंगे। ये मेरा अभी आधा लीटर का, आधा ही हो रखा है, मतलब इसमें मैं आधा कप और मिलाऊं, तो मैं इसको बड़े वाले बर्तन में बना लेती हूँ। ये देखें, इसमें आधा पानी और है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा ये 1 लीटर बन गया है। तो ये 1 लीटर अब जब ज़्यादा हो गया है, तो यह मेरे 2 या 3 प्लांट के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको डालना है, किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। अगर आपको सरसों की खली नहीं मिलती है, तो सरसों के दाने जो होते हैं, या पीले दाने या काले दाने जो भी हैं, उस दानों को भी आप 50 ग्राम सरसों के दाने या 50 ग्राम सरसों की खली को आप पीस करके उसको 1 लीटर पानी में भिगो के आप 10 दिन के लिए रख दीजिए। अब गर्मी ज़्यादा होने लगी तो आप 7 दिन में भी फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसको रख दीजिए। उसके बाद उसको आप सीधा उसमें पानी मिलाइएगा, 1 लीटर में आप 10 ml डालिए। कुछ लोग कहते हैं गर्मी में सरसों की खली का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सही मात्रा में यूज करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं हमेशा करती हूँ। क्योंकि हम अभी हम 1 लीटर में 10 ml मिला रहे हैं, तो गर्मी में 1 लीटर में आप 5 ml मिलाइए, और थोड़ा थोड़ा करके अपने प्लांट को दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए मैं इसको अपने प्लांट में डाल देती हूँ।
देखें मैं अपने प्लांट पे अप्लाई कर रही हूँ। हर लिक्विड फर्टिलाइजर मैं जो भी बनाती हूँ अपने प्लांट पे अप्लाई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, और उसी से हमारे प्लांट की ग्रोथ है। इस तरीके से हम अपने प्लांट में डाल देंगे। ये देखें, तो मैं तो काफ़ी बना रखा है, मेरे को अपने पूरे गार्डन में डालना है, तो मैं उस तरीके से अभी डाल लूँगी। ये देखें, बस ये इस तरीके से डालते रहूँगी मैं। दोस्तों ये देखें, जो मैं अगला फर्टिलाइजर आपको दिखाने वाली हूँ ये है, ये हरा पानी है। ये हरा पानी किसका है दोस्तों? आप और हम कोई भी अगर आप चीज़ लाते हैं, खाते हैं, जितना उसका यूज़फुल हमारे लिए होता है वैसे प्लांट के लिए होता है। ये है ग्रीन पानी, जो है बथुए का, बथुए का साग या आप रायता बनाते हैं, ये बहुत अच्छा मतलब इस पर फर्टिल न्यूट्रिशन होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसको डालते रहती हूँ। जब हम पराठे बनाते हैं या बथुए का रायता बनाते हैं, हम बथुए को बॉईल करते हैं, उसके बाद ये निकल जाता है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस भी होता है। ये हमारे प्लांट को हरे भरे रखने के लिए, अगर आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो इसका लिक्विड बना के डालिए, ये आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है और हमारे प्लांट में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसको डालिएगा, जितना अगर ज़्यादा पानी डाला है आपने तो वैसे ही डालिए। अगर आपको लग रहा कि पानी डालने की ज़रूरत है तो आप उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर लीजिए। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, वैसे भी मैंने काफ़ी पानी में ही इसको बॉईल करा था, तो मैं इसको ऐसे ही अपने प्लांट पर डाल देती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिया है, ये दोनों प्लांटों में हम डाल सकते हैं इस तरीके से। तो लिक्विड फर्टिलाइजर कोई सा भी हो, 10-10 दिन के अंतर में आप डाल दीजिए अलग अलग। आज मैंने दो डाल दिए हैं, अगले दिन 10 दिन बाद मैं कोई दूसरे डाल दूंगी, कि काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशन हमारे मैंने बता रखे हैं। तो दोस्तों ये है बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आपके साथ मैंने शेयर किया है, और इससे मेरे प्लांट में काफ़ी ग्रोथ होती है। और ये आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। आप कहोगे कि गुलाब में डालें, गुड़हल में डालें, मोगरा में डालें, या बेगोनिया में डालें, बोगनविलिया में डालें, किसी भी प्लांट में डालिए, बहुत बढ़िया इससे ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा इससे न्यूट्रिशन मिलता है, फूल बहुत खिलते हैं। कनेर में डालिएगा आप, किसी में भी डालिएगा। और आप मेरी वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल है उसको जरूर दबाइएगा, उससे कि मेरे वीडियोस का जो भी मैं डालूंगी नोटिफिकेशन आपके चैनल पर मोबाइल पर आएगा, तो आप मेरी वीडियोस आगे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डन, टेक केयर, बाय बाय।